दोस्तों, चार मैचों में से चार मैच हारने के बाद सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने रविंद्र जडेजा की कप्तानी पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 की शुरुआत सीएसके टीम के लिए उस तरह की नहीं थी जिस प्रकार की उन्होंने उम्मीद की हो। आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सीएसके की टीम अपने पहले चार मैच लगातार हार गई। सीएसके के इस हार पर जडेजा की कप्तानी को दोष दिया जा रहा है, लेकिन फिर जब धोनी से जडेजा की कप्तानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं बेहद निराश हूं कि हमारी टीम की शुरुआत उस तरह की नहीं रही है। इसमें एक अकेले खिलाड़ी का दोष नहीं है, हमें अभी एकजुट होकर खेलना होगा। जडेजा बतौर कप्तान धीरे धीरे सीख रहे हैं, ये उनका पहला सीजन है। मुझे यकीन है कि पूरी टीम एक जबरदस्त कमबैक करके दिखाएगी। दोस्तों, आपकी राय में क्या धोनी को एक बार फिर सीएसके टीम के कप्तान बन जाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।